हाय गाइस, सो मैं सुबह 6:30 को निकला था घर से यहाँ पे आने के लिए। ये क्या है? सो ये मेरा मे बी वेरी एम्बिशियस वीडियो होने वाला है, क्योंकि टुडे आई एम गोना हाइक अप टू द समिट ऑफ माउंट सेंट हेलेंस, विच इज़ लाइक द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो अराउंड पोर्टलैंड। सो ये हाइक है अराउंड 10 10 माइल्स की, एंड राउंड ट्रिप एंड अराउंड 5K एलिवेशन गेन। और राइट नाउ आई एम एट दी क्लाइंबर्स ब्यूएक ट्रेल हेड, जो कि माउंट सेंट हेलेंस का ट्रेल हेड है। यहाँ से ट्रेल स्टार्ट होगी और आई एम एक्सपेक्टिंग सम स्नो ऑन द रोड एज वेल। आई हैव माई बैग पैक रेडी, जैकेट है, स्नो जैकेट है, स्नो शूज़ है। लेट्स सी, वी आर वेल प्रिपेयर्ड एंड लेट्स डू इट टुगेदर। So this is the start of the trail, but before going on to the hike, सबको यहाँ पे क्लाइंबिंग रजिस्टर दिया गया है, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू साइन, जस्ट मेक श्योर टू साइन इन हियर। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है विद द परमिट आईडी, एंड व्हेन यू रिटर्न बैक यू नीड टू साइन इट। सो उससे उनको मालूम पड़ेगा कि कौन अभी हाइक पे है और कौन नहीं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हाइक है, तो इट्स गुड टू have this kind of a register. So ये हाइक का जो फर्स्ट पार्ट है, इट्स थ्रू दिस फॉरेस्ट। इसमें आई गेस ज़्यादा एलिवेशन गेन नहीं है, बस बहुत सारा वॉकिंग है। सरप्राइज कि मुझे अब तक इस ट्रेल पे कोई दिखा नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि हेवीली ट्रैफिक, इवन दो इट्स प्रीटी बिग, पर अब तक मुझे एक आदमी ही दिखा, ना ही ट्रेल हेड पे, ना ही उस पार्किंग लॉट में, ना ही इस फॉरेस्ट में। बट कार्स तो थी, सो दैट मीन्स दे आर समवेयर अप द रोड। Board here that says permit required beyond this point. So guys, forest done. Now what did the board say? These are rocks. So there are some wooden white logs in between that one. I think those are kind of the waypoints for us. Thank you.
आई थिंक आई कैन सी द समिट फ्रॉम हियर. ऐसे छोटे छोटे से लोग दिख रहे हैं वहाँ पे. लेकिन ये एक बार ये बॉर्डर फील्ड ख़त्म हो जाए भाई, ये ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा. ये देखो थोड़ा सा उधर वाइट जो दिख रहा है वो समिट है, लेकिन उसके पहले ये साइड में शायद वो ख़त्म होगा, क्योंकि आई कैन सी अ स्मॉल वेदर स्टेशन देयर, दैट्स लाइक द लास्ट चेक पॉइंट. हाँ कम ऑन. बट आई मीन आई थॉट कि अभी पत्थर वाला रास्ता ख़त्म हो जाएगा दिस बॉर्डर, बट देयर इज ऑलवेज अ बट. लुक एट दैट, और पत्थर. रॉक्स ख़त्म हो गए अभी, बस मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं. ये लास्ट पार्ट है अभी, ये सब ऐसा बोलते कि वो काफ़ी सैंडी पार्ट है, तो व्हेन यू टेक अ स्टेप यू कम बैक, थोड़ा स्लोप हो जाता है ऊपर चढ़ने. मेरे बैग में ऐसा लग रहा था मैंने क्यों स्नो जैकेट लाया, ये एक्स्ट्रा जैकेट, उससे मेरा बैग काफ़ी हेवी हो गया था. तो मैं अभी क्या करना लगा कि मैंने कुछ वेट निकाल दिया बैग से और वो यहाँ पे रख रहा हूँ पत्थरों के बीच. और वाइल कमिंग बैक आई होप आई रिमेम्बर टू ग्रैब देम. सो मैंने मेरा जैकेट और कुछ खाने का सामान इधर छोड़ दिया, मेरे रखने की उतना ज़रूरत है. ऊपर एक हुडी है मेरे पास, I think that should be enough. And let's start the last sand part. And finally, there's no one right now on the summit. सो अभी सब लोग डिसेंड भी कर देंगे, मैं अकेला ही हूँ फिलहाल. अब एक्चुअली मुझे भी थोड़ा टेंशन आने लगा है क्योंकि लेट हो रहा है. नीचे आते आते अंधेरा नहीं होना चाहिए, नीचे भी यार वो नीचे जाते हैं जाने का सोच के और डर लग रहा है. क्या करें, समिट उधर ही है. Let's do it. I seriously thought, मुझे सच में लगा था कि I can't make it, क्योंकि मेरे नी में एक्चुअली एक पत्थर हिट हुआ था, काफ़ी पेन हो रहा है. बट आफ्टर ऑल दिस सैंड I finally, I think I made it. I can't see anything further. So, I haven't yet looked the other side. तुम लोग के साथ देखूँगा. समिट है सैंडलेंस का, इधर ऐसा कोई स्पेसिफिक पीक नहीं है, क्योंकि ये एक वॉल्केनो था जो 1980 में इरप्ट हुआ था. और इट वॉज, बिलीव मी, विकिपीडिया पे पढ़ लो, इट वॉज द बिगेस्ट इरप्शन इन US हिस्ट्री. सो वो इरप्शन की वजह से जो पीक था वो इरप्ट हो गया और एक क्रेटर बन गया,
तो बेसिकली समिट इज द रिम ऑफ दैट क्रेटर. सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन द रिम एंड या आई विल शो यू हाउ इट इज एग्जैक्टली. सो आप देखोगे यहाँ पे तो एक बॉर्डर है, दिस इज द रिम ऑफ द क्रेटर एंड दिस इज द क्रेटर दैट वॉज क्रिएटेड ड्यू टू दैट इरप्शन. एंड यहाँ पे एक्चुअली अगर आप ठीक से देखोगे, मैं ट्राई करता हूँ कैप्चर करने का. या यहाँ पे थोड़े फ्यूम्स और स्मोक दिख रहा है जो ग्राउंड में से इरप्ट हो रहे हैं. सो इट इज एन एक्टिव वोल्केनो. पीरियोडिकली कुछ ना कुछ साइंस देते रहता है कि कभी ना कभी वो फटने वाला है, बट दिस इज अ वेरी लाइक रेगुलर थिंग फॉर एनी एक्टिव वोल्केनो फ्यूम्स निकलना. सो डरने की तो बात नहीं है. एंड यहाँ से अभी इतने हाइट पे है ये, तो यहाँ से काफ़ी सारे मतलब पोर्टलैंड इज सराउंडेड बाय लॉट ऑफ वोल्केनोस एक्चुअली. मतलब ये सबसे बड़ा है बट दूसरे भी है जो यहाँ से विजिबल है. सो लेट्स टेक अ लुक एट दोज. अपने भाई लोग का इंट्रोडक्शन दिखते हैं. ये है टूअर्ड्स द नॉर्थ, दैट्स माउंट रेनियर. माउंट रेनियर काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए. काफ़ी अच्छी जगह है. Towards the east, this is Mount Adams. Mount Adams भी मैंने मतलब मैंने ज़्यादा लोगों से सुना नहीं है इसके बारे में. And towards the south, ये सबसे famous जो है पोर्टलैंड का, हर पोर्टलैंड के हर कोने से आपको ये दिखेगा. और एक है अगर दूर देखोगे, सो माउंट जेफरसन दिखेगा. तो अभी वापस स्टार्ट होने वाला है रॉकी बोल्डर फील्ड. इसके थ्रू मुझे फटाफट निकलना है. सो मैं अभी मोबाइल और ट्राईपॉड सब कुछ अंदर रख रहा हूँ क्योंकि सन भी नीचे आ रहा है, मुझे भी नीचे जाना है. ऐसा लग रहा है दोनों के बीच में रेस लगी है. बट आई हैव टू गो डाउन बिफोर द सन गोज डाउन. सो अब मैं पोर्टलैंड में आ गया हूँ. वीडियो मैंने लास्ट कट किया था उसके बाद इतना डार्क होने लग गया था, स्पेशली वो बोल्डर फील्ड से निकलने के लिए तो सनसेट के पहले निकलना था और फिर सनसेट हो गया फॉरेस्ट में. ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे मुझे वो फॉरेस्ट से निकलते हुए एंड इट वॉज़ कम्प्लीटली डार्क. तो फ़ोन का टॉर्च यूज़ करके तो मैंने सोचा लेट्स नॉट शूट एनी वीडियोज़ राइट नाउ एंड जस्ट get to the car and get out of this place.
बट या नाउ आई एम गुड, आई एम बैक इन पोर्टलैंड. अभी जाऊँगा, मस्त नहाऊँगा. तो हाइक वॉज प्रीटी गुड. मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आई मीन हाईली रिकमेंड करूँगा हाइक को. मेरी अब तक की सबसे फेवरेट हाइक थी. बस एक ही है कि मेक श्योर दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड. मेरे पास 4 बॉटल्स थे वाटर के मेरे अकेले के लिए, फिर भी मुझे कम पड़े ऐसा मुझे लगता है, और एक होती तो अच्छा होता. तो मेक श्योर यू आर वेल प्रिपेयर्ड, वेल इक्विप्ड विथ शूज़ एंड हाइकिंग पोल्स. हाइकिंग पोल्स ज़रूर लेना, क्योंकि उस बॉर्डर फिर से निकलने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, इवन वो सैंडी एरिया में. और सबसे मेन बात जो मैंने गलती की, लीव अर्ली. मैंने हाइक स्टार्ट किया था 9:30-10 बजे, बट एटलीस्ट मैं बोलूँगा एटलीस्ट 7 o'clock तो स्टार्ट करना चाहिए. सो या आज के वीडियो में इतना ही. मुझे लगता है ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट वीडियो था. आई होप यू गाइज लाइक एज वेल. एंड या शो योर लव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.